वेलकम दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। अप्लाइड मैकेनिक्स का हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू है, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस। उसमें हम फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के एग्जांपल्स देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल देखे थे, तो उसके आगे वाले एग्जाम्पल आज हम 2-3 और एग्जाम्पल देखेंगे नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस के। फिर उसके बाद में हम पैरेलल फोर्स सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 16। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल सच दैट ए बी इक्वल टू 3 मीटर, बी सी इक्वल टू 2। अलोंग साइड ए बी सी बी सी डी ए डी द फोर्सेस 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 250 न्यूटन, 300 न्यूटन। मतलब एक ए बी सी डी रेक्टेंगल है, उसकी ए बी साइड है 3 और बी सी है 2 मीटर की। अलॉन्ग साइड ए बी मतलब ए बी के अलॉन्ग है 100 न्यूटन, सी बी के अलॉन्ग है 200 न्यूटन, सी डी के अलॉन्ग है 250 न्यूटन और ए डी के अलॉन्ग है 300 न्यूटन। आर एक्टिंग रिस्पेक्टिवली इस तरह से, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। मतलब ए बी के लिए 100, सी बी के लिए 200, सी डी के लिए 250 और ए डी के लिए 300। फाइंड मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम सी, यूज एनालिटिकल मेथड ओनली। तो हमें सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेना पड़ेगा जब हम पोजीशन निकालेंगे रिजल्टेंट की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं एग्जांपल को। बहुत सिंपल है, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे अब तक जैसे हमने फॉलो किए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अभी इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी और ए डी। तो यहाँ पर है हमारा ए बी के अलॉन्ग है 100 न्यूटन, मतलब ए बी साइड है हमारी है ए से बी तक 100 न्यूटन। फिर है सी बी मतलब सी से लेकर बी तक 200 न्यूटन, तो सी से बी तक मतलब सी से बी तक यह आ जाएगा 200 न्यूटन। फिर सी से डी तक 250 न्यूटन, मतलब सी से डी तक 250 न्यूटन। और ये लास्ट है ए डी, ए से डी तक 300 न्यूटन, मतलब ए से डी तक 300 न्यूटन, ठीक है। अभी इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हम फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, डायरेक्शन ऑफ आर निकालना है, मतलब अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है और आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी बताया है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट सी के अलॉन्ग निकालेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे समेशन ऑफ इफेक्ट्स। लेफ्ट में जो फोर्सेस जाएंगे वो प्लस रहेंगे, सॉरी लेफ्ट में जाने वाले माइनस रहेंगे, राइट में जाने वाले प्लस रहेंगे। हॉरिजॉन्टल कंसीडर करेंगे सिर्फ 100 न्यूटन राइट जा रहा है इसलिए प्लस, अरे 250 न्यूटन लेफ्ट जा रहा है इसलिए माइनस, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 150 न्यूटन। अभी वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, वर्टिकल है 300 अपवर्ड जा रहा है इसलिए प्लस, और जो नीचे की तरफ जाएगा 200 यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 100 न्यूटन। अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट निकालेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर। यहाँ पर फार्मूला है हमारा आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे हम फार्मूला में, तो आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है माइनस वन फिफ्टी स्क्वेयर प्लस 100 स्क्वेयर। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अंडर रूट -150 स्क्वेयर प्लस 100 स्क्वेयर, तो यहाँ पर 180.27, ठीक है। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ जाएगा 180.27, ये हमारा रिजल्टेंट हमें मिल गया है। अभी हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ आर क्या रहेगी हमारी, अल्फा इक्वल टू है टैन इनवर्स समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एपेक्स,
यहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे एफ एक्स और एफ वाई की, तो यहाँ पर आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू हमारी 100, यहाँ पर 100 लिख देंगे, 100 अपॉन, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू -150, तो यहाँ पर +150 लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन हम नहीं लेते यहाँ पर जब एंगल निकालते हैं। अल्फा इक्वल टू, तो यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 100 अपॉन 150 33.69। ये डिग्री में आ जाएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे डिग्री में। अभी हम निकालेंगे वैगनर्स थ्योरम यूज़ करेंगे हम, और हमें रिजल्टेंट की जो डिस्टेंस रहेगा वो मिल जाएगा एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वैगनर्स थ्योरम यूजिंग वैगनर्स थ्योरम। तो वैगनर्स थ्योरम हमारा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी बोला है हमें, तो यहाँ पर अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट सी, तो यहाँ पर सी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेंगे हर एक फोर्स की। तो यहाँ पर देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे बाद में। तो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट सी निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 250 न्यूटन भी सी पॉइंट से जा रहा है और ये 200 न्यूटन भी सी पॉइंट से जा रहा है, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें साइड भी दी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी थी हमारी 3 मीटर, तो मतलब ए बी डिस्टेंस है हमारा 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और बी सी डिस्टेंस हमारा दिया है 2, तो यहाँ पर बी सी है हमारा 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2 मीटर, ठीक है, बी से लेकर सी तक, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए अभी 250 और 200 न्यूटन तो जीरो रहेंगे क्योंकि पॉइंट सी से ही जा रहे हैं। अभी जो 100 न्यूटन है, तो 100 न्यूटन देखिए यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन है, तो रोटेट इसी के इस तरह से करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, तो इसीलिए हम इसे करेंगे माइनस फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 100 का, तो ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सीधा आ जाएगा 3 मीटर, ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 300 न्यूटन, 300 यहाँ पर देखिए इस तरह से रोटेशन करेगा सी पॉइंट के अबाउट, मतलब क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा प्लस 300, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा -100 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा -300 और +300, तो ये पूरा हो जाएगा हमारा जीरो, सॉरी हमने यहाँ पर 300 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो फोर्स को 300 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा अबाउट पॉइंट सी से, तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे बना रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा कितना है 3 मीटर है हमारा, ठीक है, तो 3 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा 600 आ जाएगा, 600 न्यूटन और ये मीटर आ जाएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है, फोर्स न्यूटन में और डिस्टेंस मीटर में, इसलिए न्यूटन मीटर आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट होगी, ठीक है। अभी ये जो समेशन ऑफ एम सी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट सी की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 600 इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है हमारी, आर की वैल्यू 180.27 और ये मल्टीप्लाई बाय एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर एक्स आएगा ये 180.27 मल्टीप्लाई में, तो 600 को इस तरफ डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय 180.27, तो हमारी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाय 180.27 3.328
3.328 मीटर में आएगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्वाड्रेंट निकालना चाहिए था अल्फा के बाद में, तो ठीक है हम अभी क्वाड्रेंट लिखेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो यहाँ पर देखिए समीशन ऑफ एफ एक्स नेगेटिव है और एफ वाई पॉजिटिव है, तो एफ एक्स नेगेटिव एक्स वाई, मतलब यहाँ पर देखिए एक्स कंपोनेंट नेगेटिव, मतलब एक्स यहाँ पर नेगेटिव होता है और एफ वाई पॉजिटिव है, तो एफ वाई यहाँ पर पॉजिटिव होता है, मतलब ये दोनों मिला के सेकंड क्वाड्रेंट हमारा बन रहा है, तो रिजल्टेंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ पोजिशन निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखता हूँ पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट, किस तरह से वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसे नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा। फिर देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेंट टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट टू, ठीक है। तो क्वाड्रेंट टू में आएगा ये, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट टू में इस तरह से यहाँ पर रहेगा रिजल्टेंट, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है, यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू 33.69, तो यहाँ पर 33.69 रहेगा। और ये डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 3.328, मतलब ये जो लाइन है हमने यहाँ पर ये ड्रॉ की, तो ये जो रिजल्टेंट है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन से, मतलब ये सेंटर पॉइंट से हमारा सी पॉइंट से कितना दूर रहेगा, 3.328, तो यहाँ पर ये 3.328 है। और क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, मतलब इस तरह से रोटेशन ये कर रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर हम इसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री में एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, और इसको जो रिजल्टेंट है उसको हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, और ये हमारा डिस्टेंस रहेगा एक्स 3.328। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे। आप चाहे तो इतना डिस्टेंस इस तरह से इस साइड से पैरेलल लाइन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से इसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है। इस तरफ दिखाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा उस साइड में, तो हम किसी भी एक साइड में आपको दिखानी है, तो हमने इस तरह से रिजल्टेंट की आर की डायरेक्शन दिखा दी है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 17 का, फोर्सेस 2, 4, 6 एंड 8 kN रिस्पेक्टिवली एक्ट्स ऑन रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसे फाइव साइड है वो, फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालनी है, मतलब आर और अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखाया है शोन इन फिगर, मतलब यहाँ पर ये नीचे फिगर दी है, इस फिगर से हमें आर और अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिगर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2 kN, 4 kN, 6 kN और 8 kN, इस तरह से हमें चार फोर्सेस दिए और उनका हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, तो यहाँ पर देखिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें पहले समीशन ऑफ एफ एक्स समीशन ऑफ एफ वाई निकालना पड़ेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो हमारे इंक्लाइन फोर्सेस हैं उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उनके हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो सारे फोर्सेस है 6 N, 4 N, 4 kN और 2 kN, उनके हॉरिजॉन्टल के साथ, मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना है वो हमें पता होना चाहिए। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है कि ये पूरे के पूरा जो ए रहेगा, ठीक है, तो इसका पूरा जो 360 डिग्री हो जाएगा, इसका जो एंगल रहेंगे सारे के सारे, ठीक है, क्योंकि हर एक क्लोज फिगर होती है। तो यहाँ पर देखिए क्लोज फिगर है पूरे सर्कल की तरह, तो इसकी जो वो एंगल टोटल मेजरमेंट रहेगा वो 360 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर इसे कितने कॉर्नर है, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉर्नर है इसे, ठीक है। तो 5 कॉर्नर है मैं यहाँ पर इसे, तो अब अगर 360 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है 72 डिग्री, मतलब हर एक कॉर्नर जो रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में वो 72 डिग्री का रहेगा। मतलब यहाँ पर देखिए मैं इसे इस तरफ से एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसे मैं थोड़ा इस साइड से एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा, समझो एक्स एक्सिस। तो ये एंगल जो रहेगा हमारा ये 72 डिग्री रहेगा, ठीक है,
और ये जो एंगल रहेगा इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी 72 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक 72 डिग्री के दो पार्ट हो रहे हैं, ये एक और ये दूसरा एक, तो दोनों हाफ रहेंगे 72 डिग्री के, मतलब ये इतना जो पार्ट रहेगा ये 36 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है वो तो एज इट इज रहेंगे, वर्टिकल फोर्सेस भी एज इट इज रहेंगे, लेकिन जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो एक 6 किलो न्यूटन है, तो इसके कंपोनेंट इस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 cos, और एंगल है इसका 36 डिग्री, तो 36 और फिर ये 6 sin 36 डिग्री, फिर ये 4 किलो न्यूटन, यहाँ पर इसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ए भी इंक्लाइन है हमारा। ठीक है, इंक्लाइन फोर्स है, तो इसके कंपोनेंट भी ऐसे आ जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आ जाएगा 4 sin, और एंगल है इसका 72 डिग्री, तो ये 72 और एक 4 cos 72 डिग्री। फिर यहाँ पर और एक फोर्स है, तो यहाँ पर हम इस साइड से एंगल नहीं लेंगे क्योंकि जो पास में एक्स एक्सिस होता है उसी से एंगल लेते हैं, तो ये एंगल छोटा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इससे। ठीक है, तो इसलिए हम जो पास में एक्सिस होता है उसकी से हम एंगल मेजर करेंगे, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin 72 डिग्री और ये 2 cos 72 डिग्री। अभी हम इसे हम समेशन ऑफ एपेक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। हमें क्या क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू और हमें अल्फा इक्वल टू निकालना है। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एपेक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 8 किलो न्यूटन, राइट की तरफ जा रहा है तो ये प्लस रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट 6 cos 36 डिग्री, तो ये माइनस रहेगा, सॉरी प्लस रहेगा, क्योंकि ये भी राइट की तरफ जा रहा है, तो 6 cos 36 डिग्री। फिर नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है 4 cos 72, तो यहाँ पर ये प्लस रहेगा क्योंकि ये भी राइट की तरफ जा रहा है, 4 cos 72 डिग्री। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 2 cos 72 डिग्री, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा, -2 cos 72 डिग्री। ठीक है, सारे फोर्सेस हमने यहाँ पर ले लिए, अभी इनका हम कैलकुलेशन करेंगे। तो 8 plus 6 cos 36 plus 4 cos 72 minus 2 cos 72, तो ये 13.47 आ जाएगा, 13.47 किलो न्यूटन आएगा क्योंकि सारे जो यूनिट है वो किलो न्यूटन में यहाँ पर। ठीक है, फिर समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, समीशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ने 6 sin 36, ये प्लस आएगा, अपवर्ड रहे इसलिए यहाँ पर प्लस 6 sin 36, प्लस साइन नहीं दिया तो भी चलेगा। फिर ये 4 sin 72, ये 4 sin 72 अपवर्ड है इसलिए प्लस रहेगा, 4 sin 72, 4 sin 72 डिग्री। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल कंपोनेंट 2 sin 72, ये प्लस रहेगा क्योंकि अपवर्ड है, 2 sin 72 डिग्री। और फिर बस हमारे सारे वर्टिकल कंपोनेंट हो गए, अभी इनका कैलकुलेशन करेंगे। 6 sin 36 प्लस 4 sin 72 प्लस 2 sin 72, तो यहाँ पर 9.23 आ गया हमारा आंसर, 9.23 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन आ गया हमारा। अभी हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला हमारे पास है आर इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई ब्रैकेट स्क्वेयर। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है हमारी 13.47 स्क्वेयर प्लस एफ वाई की वैल्यू है 9.23 स्क्वेयर। तो रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा अंडर रूट 13.47 स्क्वेयर प्लस 9.23 स्क्वेयर 16.32
16.32 किलो न्यूटन, ये रिजल्टन हमारा यहाँ पर आ गया। अभी हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टन निकालनी है अल्फा की वैल्यू, तो डायरेक्शन ऑफ आर मतलब अल्फा इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एफ वाई की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 9.23 और एफ एक्स की वैल्यू हमारी 13.47। अल्फा हमारा आ जाएगा तो टैन इनवर्स ऑफ 9.23 डिवाइडेड बाय 15.47 30.82 डिग्री यहाँ पर हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर निकाल लेंगे, तो क्वाड्रेंट के कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, क्वाड्रेंट इक्वल टू कौन सा रहेगा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स भी पॉजिटिव है एफ वाई भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा यहाँ पर हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पर वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर इन दोनों मिला के फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इसलिए हमारा ये क्वाड्रेंट वन में रहेगा। तो यही हमें निकालना था, आर की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू दोनों हमारी आ गई है। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, सॉरी 18, फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी 2p 3p 4p 5p एंड 6p एक्ट अलोंग द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो हमें आर की वैल्यू निकालनी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है, तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालनी है तो उसके साथ में हम अल्फा की वैल्यू मतलब डायरेक्शन ऑफ आर भी हम निकालते हैं और क्वाड्रेंट भी निकालते हैं, तीनों चीज़ें हमें निकालनी है इसका मतलब, ठीक है, आर अल्फा और क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या बताया कि एक रेगुलर हेक्सागन पर एक सारे जो फोर्सेस है वो एक्ट कर रहे हैं, कौन से फोर्सेस, पी 1 2 3 4 5 6, ये तो ये जो 6 फोर्सेस है हमारे पी 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी, तो ये कैसे एक्ट अलोंग द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो हमें रेगुलर हेक्सागन का निकालना पड़ेगा। हेक्सागन मतलब उसे 6 साइड होगी, उसे हम हेक्सागन बोलते हैं, ठीक है, जो फिगर को 6 साइड होती है क्लोज फिगर को उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। अभी मैं वो फिगर ड्रा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैंने रफ फिगर ड्रा कर ली इस तरह से, इस तरह से हमारा ये हेक्सागन दिया हुआ है हमें, ठीक है, यहाँ पर हमने निकाल लिया हेक्सागन। अभी जो फोर्सेस थे वो फोर्सेस यहाँ पर इंडिकेट करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी ई और ए एफ। तो यहाँ पर हमें 6 फोर्सेस दिए ऑर्डर में, मतलब इस तरह से पी यहाँ पर आ जाएगा 2p, यहाँ पर ये आ जाएगा 3p, यहाँ पर ये आ जाएगा 4p, यहाँ पर ये आ जाएगा 5p और यहाँ पर ये आ जाएगा 6p, इस तरह से फोर्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें हॉरिजेंटल, यहाँ पर कुछ फोर्सेस इंक्लाइन है तो उनका हमें एंगल निकालना पड़ेगा हॉरिजेंटल के साथ में, तो यहाँ पर एक फोर्स इंक्लाइन है 2p, यहाँ पर ये 3p भी है तो हॉरिजेंटल लाइन में यहाँ पर ड्रा करता हूँ, यहाँ पर एक 5p है हॉरिजेंटल, तो यहाँ पर इस तरह से इसकी भी लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल ए एंगल हमें निकालना पड़ेगा, ए एंगल भी हमें निकालना पड़ेगा, फिर ए एंगल हमें पता होना चाहिए, फिर ए एंगल भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम फोर्सेस को रिजॉल्व कर पाएंगे हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें पता है कि 360 डिग्रीज की टोटल एंगल्स की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पर कितने कॉर्नर है 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर इस फिगर को 6 कॉर्नर है, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, तो हर एक जो एंगल रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री आएगा, ए 60 डिग्री, ए भी 60 डिग्री आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, फिर ए भी 60 डिग्री आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में इस तरह से, और ए भी 60 डिग्री आएगा, ठीक है, इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें आर की वैल्यू निकालनी है और डायरेक्शन ऑफ अल्फा मतलब सॉरी डायरेक्शन ऑफ आर मतलब अल्फा की वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ अभी, तो पहले हम समीशन ऑफ एफेक्ट्स मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे, उससे पहले हम जो इंक्लाइन फोर्सेज है उनको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इस तरह से रिजोल्यूशन होगा ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये फोर्स है 2p cos 60 और ये 2p sin 60 डिग्री, फिर इस तरह से ये फोर्स भी इस तरह से इंक्लाइन होगा, ये फोर्स है हमारा 3p sin 60 और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3p
cos 60। और ये हमारा नेक्स्ट कोर्स है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है इसीलिए इसके कंपोनेंट थर्ड क्वाड्रेंट की तरह रिजॉल्व होंगे। तो ये आ जाएगा 5p sin 60, और यहाँ पर ये 5p, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ 5p cos 60। और फिर ये यहाँ पर ये भी डायरेक्ट डाउनवर्ड है इसलिए यहाँ पर इसके भी कंपोनेंट इस तरह से आएंगे 6p cos 60 degree और 6p sin 60 degree। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालेंगे, तो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट आ जाएंगे समेशन ऑफ एफ एक्स। ये पहला फोर्स है पी, राइट है इसलिए प्लस, फिर दूसरा है 2p cos 60, ये माइनस, और ये भी प्लस रहेगा क्योंकि राइट जा रहा है, 2p cos 60। फिर नेक्स्ट है हमारा 3p cos 60, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा 3p cos 60। फिर नेक्स्ट है 4p लेफ्ट की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस रहेगा। फिर नेक्स्ट फोर्स है हमारा 5p cos 60, ये भी लेफ्ट की तरफ जा रहा है माइनस रहेगा। और यहाँ पर हमें एक भी फोर्स नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। और फिर लास्ट है 6p cos 60, है प्लस रहेगा क्योंकि राइट जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर एक टर्म में पी 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 दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ये पी हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ये कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पी निकला तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2p cos 60, यहाँ पर रहेगा 3 cos 60, यहाँ पर ये -4, ये -5 cos 60, और ये +6 cos 60। तो यहाँ पर ये आ जाएगा p इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए 1 plus 2 cos 60 -3 cos 60 -4 -5 cos 60 +6 cos 60। तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -3 आंसर। तो यहाँ पर -3 से p को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3p आ जाएगा। तो ये समेशन ऑफ एफेक्ट्स की वैल्यू आ गई हमारी -3p, ठीक है। अभी हम वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे समेशन ऑफ fy। तो वर्टिकल है हमारा यहाँ पर पहला 2p sin 60, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 3p sin 60, अपवर्ड है इसलिए प्लस। फिर नेक्स्ट है हमारा 5p sin 60, है डाउनवर्ड है इसलिए माइनस रहेगा, 5p sin 60। और नेक्स्ट है हमारा 6p sin 60, ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, p को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर ये बचेगा 2 sin 60 +3 sin 60 -5 sin 60 और 6 sin 60। यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए समेशन ऑफ एफ वाई, पी कॉमन निकाला है तो यहाँ पर ब्रैकेट की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं हम, 2 sin 60 +3 sin 60 -5 sin 60 -6 sin 60 -5.19 आ रहा है। और यहाँ पर -5.19 आ जाएगा, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ एफ वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5.19p। अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ आर मतलब आर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ मैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वेयर, आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वेयर। समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आया है हमारा -3p, तो ये -3p का स्क्वेयर
और समेशन ऑफ एफ वाई मतलब माइनस 5.19 स्क्वायर, तो आर इक्वल टू हमारा आ जाएगा, सॉरी माइनस 5.19 पी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा, कॉमन निकालेंगे यहाँ पर इसे, तो ये पी स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, और माइनस 5.19 का स्क्वायर, माइनस 5.19 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस 26.93, ठीक है। तो ये पी स्क्वायर बाहर लाएंगे तो ये पी हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट में बचेगा 9 प्लस 26.93, तो इनकी एडिशन कर देंगे हम, 9 प्लस 26.93 तो 35.93 आ जाएगा, 35.93, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर अभी हम R इक्वल टू हमारा आंसर आएगा, R इक्वल टू P बाहर ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में अंडर रूट 35.93 का वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये 5.99 आ जाएगा, 99 मतलब R इक्वल टू आ जाएगा, 5.99 की जगह पर हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 के अराउंड है, इसलिए 6p, R की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6p। इस तरह से हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, एपेक्स की वैल्यू नेगेटिव है और fy की वैल्यू भी यहाँ पर नेगेटिव है, मतलब x कंपोनेंट यहाँ पर नेगेटिव होता है, y कंपोनेंट यहाँ पर नेगेटिव होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, तो यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट क्वाड्रेंट 3 में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 3 या रोमन में भी लिख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक है, तो क्वाड्रेंट नंबर 3 आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुक जाते हैं, कल हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।